hello dear student in the chapter concept of cost our next topic is average cost and its components first question is ac what is average cost average cost is per unit cost of output this one formula for the calculation of average cost that is average cost is equal to tc divided by q ac is average cost TC total cost and Q means quantity of output. We can understand average cost through an illustration. Output is given and the total cost is also given. Now, what will we have to do? We will have to divide total cost by the output as we have already seen in the formula. If we divide 10 by 0, at zero level of output, then we will get infinity as average cost. You this is the law. Because इसमें क्या होता है कि maths में जब हम किसी number को zero से divide करते हैं, and that will the answer will be infinity. And at one unit of output, if we divide 20 by one, तो हमको क्या मिलेगा वी विल गेट ट्वेंटी एज एवरेज कॉस्ट एवरेज कॉस्ट भी कितनी होगी ट्वेंटी एंड एट यूनिट सिक्स एवरेज कॉस्ट वुड बी एट तो हमने सॉरी टोटल कॉस्ट को आउटपुट के साथ डिवाइड करना है तो हमारे पास एवरेज कॉस्ट जो है वो आ जाएगी अंडर एवरेज कॉस्ट वी हैव सीन द फॉर्मूला एंड नाउ वी आर हैविंग द टू components of average cost and these components of average cost are fixed and variable fixed cost and variable cost these two are the components of average cost average cost as we know that it is the sum total of average fixed cost and average variable cost एवरेज कॉस्ट एवरेज फिक्स कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को मिला के बनती है फॉर्मूला ए सी इज इक्वल टू ए एफ सी प्लस ए बी सी एवरेज कॉस्ट ए सी ए एवरेज फिक्स एंड ए बी सी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द एवरेज फिक्स कॉस्ट एवरेज फिक्स कॉस्ट मीन्स पर यूनिट कॉस्ट ठीक एवरेज कॉस्ट जो है वो आउटपुट की पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट होती है फॉर्मूला ऑल्सो ए एफ सी इज इक्वल टू टी एफ सी डिवाइडेड बाय क्यू ए एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट टी एफ सी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एंड क्यू क्वांटिटी ऑफ आउटपुट वी कैन अंडरस्टैंड इट बाय द टेबल एंड डायग्राम टेबल इज शोइंग प्रोड्यूस्ड एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट इज रुपीज टेन How we get that? This is the formula: the total fixed cost divided by output. Then we will get AFC, average fixed cost. Here, if we divide 10 by 1, we will get 10. That this 10 is average fixed cost. And if five units are produced, then total fixed cost of five units is 10 divided by five is equal to two. Two per unit.

कि एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट डिक्रीज़ हो रही है विद इंक्रीज इन आउटपुट एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व को रेक्टेंगुलर हाइपरबोला भी कहते हैं क्योंकि अगर एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट को आउटपुट से मल्टीप्लाई किया जाए तो वो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट के इक्वल होती है जो आउटपुट के हर लेवल पे कांस्टेंट होती है हेयर दट द टेबल दैट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अब इसको ध्यान से देखिए अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमको सेम आंसर मिलेगा जैसे हम एवरेज फिक्स्ड को मल्टीप्लाई करते हैं आउटपुट से टेन मल्टीप्लाई बाय वन इज इक्वल टू टेन फाइव मल्टीप्लाइड बाय टू इज इक्वल टू टेन थ्री पॉइंट थ्री मल्टीप्लाईड बाई थ्री इज इक्वल टू टेन एंड लास्ट इज वन पॉइंट टू फाइव मल्टीप्लाइड बाई एट इज इक्वल टू टेन इसीलिए हम ये कहते हैं कि अगर एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट को आउटपुट से मल्टीप्लाई किया जाए तो वो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट के इक्वल ही आती है जो हर लेवल पे कांस्टेंट है इसीलिए ये जो कर्व है इसको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला भी कहते हैं नाउ वी हैव एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज पर यूनिट कॉस्ट ऑफ वेरिएबल कॉस्ट एंड फॉर्मूला फॉर दिस इज

टोटल वेरिएबल कॉस्ट को डिवाइड करना है आउटपुट के साथ टेन बाई डी टेन डिवाइडेड बाय वन इज इक्वल टू टेन एटीन डिवाइडेड बाय टू इज इक्वल टू नाइन ट्वेंटी फोर डिवाइडेड बाय थ्री इज इक्वल टू एट एंड सो ऑन इससे हम लोग एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को कैलकुलेट कर सकते हैं नाउ इफ वी ड्रॉ डायग्राम फ्रॉम द टेबल देन वी विल गेट दिस टाइप ऑफ कर्व दैट इज ए वी सी जिसे हम एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व भी कहते हैं एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज यू शेप्ड कर्व आउटपुट इज गिवन ऑन एक्स एक्सिस एंड ऑन वाई एक्सिस कास्ट इज गिवन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट अप टू सिक्स यूनिट ऑफ आउटपुट एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो है वो फॉल कर रही है इसका मतलब कि जैसे आउटपुट बढ़ रही है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो है वो कम हो रही है हम इसे यहाँ टेबल से भी देख सकते हैं टेन से नाइन फिर एट फिर सेवन ये कम हो रही है एंड फ्रॉम द सेवंथ यूनिट फ्राम द सेवंथ यूनिट सिक्स पॉइंट थ्री उसके बाद सिक्स पॉइंट सिक्स सेवन यूनिट से एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बढ़ना शुरू हो जाती है इसी लिए ये यू की शेप जो है वो ले लेती है तो रिमेंबर दिस थिंग दैट इन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इन अर्ली स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अ कमोडिटीज द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट टेंथ टू फॉल देन ग्रेजुअली इट टेंथ टू राइज एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का यू शेप क्यों होता है ये क्वेश्चन आ जाता है इन थ्री मार्क्स तो इसको ध्यान से इसके लॉजिक को याद कर लेना अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एवरेज कॉस्ट एज द देशन ऑफ एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को मिला के बनती है see in the diagram all the curves are drawn average fixed cost in decreasing trend and average variable cost decreasing initially then it is rising and average cost is combination of average fixed cost and average variable cost it took shape from both the curves half from tfc and later shape is from avc average variable cost and at last we are having the formula of the three cost एवरेज टोटल कास्ट एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट एंड एवरेज वेरीबल कास्ट लेट रिवाइज इट अगेन एवरेज टोटल कॉस्ट इज द टोटल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट और एवरेज कॉस्ट एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज टोटल कॉस्ट मतलब एवरेज टोटल कॉस्ट जो है वो एवरेज कॉस्ट ही होती है तो एवरेज कास्ट का फॉर्मूला टोटल कॉस्ट डिवाइड बाई यूनिट ऑफ आउटपुट एंड एवरेज फिक्स्ड कास्ट मतलब टोटल फिक्स्ड कास्ट को डिवाइड कर दिया जाता है बाई द आउटपुट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट मतलब टोटल वेरिएबल कॉस्ट को जब डिवाइड कर दिया जाए बाय द आउटपुट फाइन रिमेंबर दीज सॉल्व वील प्रैक्टिकल्स आल्सो विद विस योर टॉपिक इज कफेक्ट